نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب محترم حاضرین جمعہ میرے سنگین ون کے بھائیوں محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں یہ میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج دیا جوری میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس خطبے میں میری زبان سے قرآن و سنت کی جو باتیں نکلیں ان پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں قرآن کریم کی تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی پڑھی ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 36 37 38 36 37 اور 38 اور آج میں چاہتا ہوں کہ انہی تین آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں
इन तीन आयतों में अल्लाह तबारक व ताला ने मस्जिद का क्या मकाम है, मुसलमानों की सोसाइटी में, मुसलमानों के समाज में, मुसलमानों के मुआशरे में मस्जिद का क्या एहतराम है, और मस्जिद के ताल्लुक से हमारी क्या जिम्मेदारी है, और मस्जिदों को कौन लोग आबाद करते हैं, इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने थोड़ी सी रोशनी डाली है इन तीन आयतों में। आइए पहले इन तीनों आयतों को तर्जमा कर लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ा। फी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत का नूर तुम्हें अगर कहीं मिलेगा, कुरान सुन्नत की रोशनी तुम्हें अगर कहीं मिलेगी, फी बुयूतिन तो ऐसे घरों में मिलेगी, अज़िन अल्लाहु अन तुरफा, जिन घरों को अल्लाह तबारक व ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है, यानी अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत की रोशनी अगर तुम्हें मिलेगी तो मस्जिदों में मिलेगी, अल्लाह के घरों में मिलेगी, और अल्लाह के घरों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए, उन्हें ऊंचा किया जाए। यहां ऊंचा करने का क्या मतलब है, यहां ऊंचा करने का यह मतलब नहीं है कि मस्जिद की हाइट बहुत ज्यादा रखी जाए, यहां ऊंचा करने का मतलब यह है कि मस्जिद में कोई ऐसा काम न किया जाए जो मस्जिद के लायक नहीं है, क्योंकि अल्लाह का घर है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रूए जमीन का सबसे महबूब अगर कोई हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक, पूरी धरती पर, पूरी जमीन पर अगर अल्लाह तबारक व ताला को सबसे महबूब अगर कोई जगह है तो वो मस्जिद है, और पूरी जमीन में सबसे ज्यादा मबगूज और अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद अगर कोई जगह है तो मार्केट है, बाजार। बड़ी अजीब बात है ना, ये मार्केट और बाजार भी तो हमारी जरूरत की जगह है, हम सारे सौदा सलब जरूरत की चीजें बाजार से खरीदते हैं, मगर अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जमीन की सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने ऐसा, क्योंकि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां आमतौर से कोई गलत काम नहीं होता, या तो कोई नमाज पढ़ रहा है, या कोई दुआ कर रहा है, या कोई तिलावत कर रहा है, या कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई अच्छी बातें कर रहा है, मस्जिद में कोई गलत काम आमतौर से नहीं होता, और बाजार एक ऐसी जगह है जहां बेशुमार गलत काम होते हैं, झूठ बोला जाता है, झूठी कसम खाई जाती है, बेहयाई होती है, अपने सामान की झूठी तारीफ की जाती है, सामान बेचने के लिए झूठी कसमें खाई जाती हैं, दुनिया भर की बुराइयां बाजार में हैं, इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जमीन की सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह के नजदीक जमीन है, मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। तो मस्जिद को अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया, मस्जिद में आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो मस्जिद की शान के खिलाफ, इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तिर्मिजी के अल्फाज हैं, मस्जिद, जब तुम मस्जिद के अंदर किसी को सौदा करते हुए, लेन देन करते हुए, सामान खरीदते हुए, सामान बेचते हुए देखो, फकूलू तो तुम ये कहो, ला अरबह अल्लाहु लका फी बैइका, ऐ मस्जिद के अंदर सौदा करने वाले, ऐ मस्जिद के अंदर लेन देन करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला तेरे कारोबार में बरकत न दे, तेरे लेन देन में बरकत न दे, तेरा तेरा सौदा खराब हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए। इस्लाम बतवा करने की इजाजत नहीं देता, मगर यहां बतवा करने का हुक्म दिया है अल्लाह के नबी ने, क्यों, क्योंकि वो मस्जिद की का अदब और मस्जिद का जो एहतराम है, मस्जिद की जो शान है, उसको घटा रहा है, वो मस्जिद के अंदर सामान बेच रहा है, सामान खरीद रहा है, अल्लाह के नबी ने कहा बतवा करो। और आगे आपने फरमाया, जब तुम मस्जिद में किसी इंसान को देखो, यंशुदुजाल लतहू, कि वो अपने गुमशुदा सामान का ऐलान कर रहा है,
मेरी बकरी गुम हो गई, मेरा सामान गुम हो गया, अपने गुमशुदा सामान का ऐलान कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो तुम उससे कहो कि तेरा वो गुमशुदा सामान तुझे अल्लाह ताला न लौटाए, तुझे न मिले, उसके हक में भी बद्दुआ करो। क्या मतलब है इस हदीस का? मतलब ये है मेरे भाई कि मस्जिद कोई मामूली जगह नहीं है जहां आप दुनियावी काम करें, जहां आप लेन देन करें, जहां आप अपने गुमशुदा सामान का ऐलान करें। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद नमाज की जगह है, मस्जिद तिलावत की जगह है, मस्जिद अल्लाह के जिक्र की जगह है। मस्जिद में ये तिजारत और कारोबार की जगह नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, एक देहाती आता है और मस्जिद में जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां सफ लगाई जाती है, वहां वो पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम की नजर पड़ी, सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़े, नबी अकरम ने फरमाया ला तज़रिमूहु, उसको पेशाब कर लेने दो, अभी मत रोको उसको। नबी अकरम ने सहाबा को पहले रोका, कहा कि अपने आप को कंट्रोल करो, उसको पहले पेशाब कर लेने। जब उसने पेशाब कर लिया, देहाती आदमी था, मस्जिद के एहतराम से नाबलद था, मस्जिद के हुकूक से वाकिफ नहीं था, जब उसने पेशाब कर लिया, नबी अकरम ने उसको अपने पास बुलाया, सहाबा को पहले हुक्म दिया कि उस पेशाब को साफ करो, फिर पानी डालो। उसके बाद आपने उस देहाती को बुलाया और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ समझाया, इन हाज़िल मसाजिदा ला तस्लुहु लिशैइन मिन हाज़ा, मेरे भाई ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये पेशाब और पाखाना की जगह नहीं है, ये गंदगी की जगह नहीं है, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ये तो अल्लाह को जिक्र करने की जगह है, वस्सलात, ये नमाज कायम करने की जगह है, वक़िरातिल कुरान, ये कुरान पढ़ने की जगह है। नबी अकरम ने उस देहात से आए हुए जिसको अभी इस्लाम की ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसको ये बात समझाई, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीन, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें इतना जल्दी तैश में नहीं आना चाहिए, तुम्हें इतना में नहीं आना चाहिए, तुम आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए हो, तुम्हारी जात के जरिए आसानी पैदा होनी चाहिए, तुम दुनिया में मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं भेजे। ये मस्जिद के आदाब है मेरे प्यारे। आज एक इंसान बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, उसकी बदबू अपने मुंह में लिए हुए, खैनी खा करके उसकी बदबू अपने मुंह में लिए हुए मस्जिद में आता है। खैनी खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये हराम है, गलत है, नाजायज है, ये तो एक अलग मसला है ही, लेकिन उसको इस्तेमाल करके एक आदमी मस्जिद में आया है, ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अकला बसलन औ सौमन, जो कच्ची प्याज या कच्चा लहसुन खा करके मस्जिद में आए, फला यक़रबन्ना, तो वो हमारे करीब ना आए, वो मस्जिद में ना आए, वल यक़ुद फी बैतिही, वो अपने घर में बैठा रहे, वो मस्जिद में ना आए। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चूंकि कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन की बदबू से इंसानों को तकलीफ पहुंचती है, और जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ पहुंचती है, लिहाजा कच्ची प्याज और लहसुन खा करके तुम मस्जिद में मत आओ। मेरे भाई, जब कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खा करके मस्जिद में आने से अल्लाह के नबी ने मना किया है, तुम सिगरेट की बदबू, तुम बीड़ी की महक और तुम खैनी और तंबाकू की महक लेकर के मस्जिद में आते हो, ये तो उससे भी ज्यादा तकलीफ दे और उससे भी ज्यादा नुकसानदेह चीज है, ये मस्जिद के आदाब और एहतराम के खिलाफ है। मुझे बड़ी खुशी है आज आपके इस इलाके में, इस गांव में इस मस्जिद की तौसी का काम भी चल रहा है। अल्लाह आप सबको इस पर जो है जजाय खैर दे और इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करा दे। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको एक बात और याद रखनी है, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं, करोड़ों मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, मगर ऐसी भी मस्जिदें हैं मेरे भाई जहां एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती,
दिल्ली के अंदर ऐसी मस्जिदें भी हैं जो टूरिस्ट प्लेस बन गई हैं और जहां लड़का लड़की जाकर के मिलते और सलाम करते हैं। आज ऐसी मस्जिदें भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। मस्जिदें आलीशान हमने बना ली, उनको आबाद नहीं किया, तो फिर हमने मस्जिद बना के कौन सा हमने जो है तीर मार दिया। मस्जिद को असल ये है कि हम मस्जिद को आबाद करें। कोरोना का माहौल आपने पिछले एक साल से देखा, मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, मार्च आने वाला है, एक साल पूरा हो रहा है और अभी भी हालात अच्छे नहीं। अभी आज मैं न्यूज पढ़ रहा था, बॉम्बे के अंदर केस बढ़ रहे हैं, वहां की हुकूमत का आदेश आया है मास्क बिल्कुल कंपलसरी है, मास्क लगाए बगैर अगर आप निकले जुर्माना लगेगा, हो सकता है वहां की हुकूमत लॉकडाउन का या कर्फ्यू का भी ऐलान करे। हालात अभी अच्छे नहीं। इन एक सालों में हमने देखा, आपके गांव के क्या हालात है मैं नहीं जानता, शहरों के हालात ये थे, मस्जिदों के ताले लगे थे, मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ सकते थे, अजान की आवाज मस्जिद से आ रही है, हैया अलसला की आवाज आ रही है, दिल तो चाहता है कि मस्जिद में जाएं, मगर अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों के गुनाहों की वजह से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे हम पर बंद कर लिए। हम जाकर के मस्जिद नहीं जा सकते, तरावी की नमाज हमने घरों में पढ़ी, हमने ईदैन की नमाज अपने घरों में पढ़ी, हमने ये हालात देखे मेरे भाई। उसके बाद अल्लाह ताला का फजल करम हुआ, हालात बेहतर हुए, मस्जिदें खुल गई, मगर आज भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है, अजान की आवाज आ रही है, वो चाय की दुकानों पर बैठे हैं, वो होटलों पर बैठे हैं, वो गप्पे लगाने में मसरूफ हैं, अल्लाह को नमाज की तरफ बुला रहा है, अल्लाह को अपने जिक्र की तरफ बुला रहा है, और हम उसकी मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद के आदाब में से एक चीज ये भी है मेरे भाई, क्या मस्जिद के साथ अपने दिल को लगाए, और मस्जिद के साथ दिल को लगाने का मतलब यही है कि नमाज के साथ अपने दिल को लगाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुम अल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने सात खुश नसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा, उस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। आज हमें धूप लगती है, हम शामियाना लगा लेते हैं, हमें धूप लगती है, हम अपने घरों में आराम से साए में रहते हैं, कल कयामत के दिन जब सूरज एक मील की दूरी पर होगा, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने कुछ खुश नसीब बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया देगा, उन खुश नसीब बंदों में बंदा वो भी होगा, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो इंसान के जिसका दिल मस्जिदों में अटका हो, मस्जिद में अटका हो। जोहर पढ़ के आया है, अब घड़ी देख रहा है 3:30 बजे असर की अजान होने वाली है, 3:30 बजे मैं कहां रहूंगा। असर पढ़ के आया है, मगरिब की टेंशन लगी है, मगरिब के टाइम में कहां रहूंगा। मगरिब पढ़ के आया, इशा की प्लानिंग कर रहा है, इशा पढ़ के सोया तो मोबाइल पर अपने अलार्म सेट कर रहा है, फजर में मुझे टाइम से उठना है, मुझे फजर की नमाज पढ़नी। मेरे भाई, मस्जिद के साथ ऐसा ताल्लुक पैदा करो, नमाज के साथ ऐसा ताल्लुक पैदा करो। एक टाइम की नमाज अगर छूट जाए तो ऐसा लगे कि हाँ कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, जिंदगी में किसी चीज की कमी आ गई, ये एहसास होना चाहिए हमें। अल्लाह के प्यारे नबी को देखो, गज़वे खंदक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ दुश्मनों से जंग कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, और उसी जंग के दौरान असर की नमाज का वक्त हो जाता है, दुश्मन पीछे हटने को तैयार नहीं है, अल्लाह के नबी और आपके सहाबा दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, असर की नमाज का टाइम हुआ, फिर धीरे धीरे मगरिब का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, असर का वक्त खत्म हो गया। जब जंग खत्म हुई, अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, उन्होंने अजान दी, पहले असर की नमाज पढ़ी गई, फिर अब इकामत कही गई, फिर मगरिब की नमाज पढ़ी गई, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे किसी के, अल्लाह के नबी बद्दुआ जल्दी नहीं करते थे, मगर आपकी असर की नमाज छूटी, छूटी नहीं है, कजा हुई है। ऐसा नहीं कि असर की नमाज छूट गई, कजा हो गई, टाइम से नहीं पढ़ पाए, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, आपने फरमाया
मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगदूना अन सलातिल वुस्ता, अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई, हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। तो मेरे भाइयों, नमाज से ऐसा ताल्लुक पैदा करो। शब अल्लाह के नबी ने फरमाया, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, अल्लाह के अर्श का साया वो इंसान भी पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका। तो अल्लाह ने सूरह नूर की आयत नंबर 36 में क्या फरमाया, फी बुयूतिन नज़ीलल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन घरों को बुलंद किया जाए, उनमें कोई गंदा काम न किया जाए, उनमें कोई गलत काम न किया जाए, उन घरों को हर बुराई से ऊंचा रखा जाए, हर गंदगी से बुलंद रखा जाए, उस मस्जिद के अंदर कोई ऐसा काम न किया जाए जो मस्जिद के इहतराम के खिलाफ हो। अब उसके बाद अगले जुमले पर गौर कीजिए, युसब्बिहु लहू व युज़करु फीह इस्मुहु, और मस्जिद के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाता है। आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती का ये दुआ पढ़ के आप मस्जिद में दाखिल होते हैं। मस्जिद से निकलते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका ये दुआ पढ़ करके आप मस्जिद से निकलते हैं। आप घर से मस्जिद के लिए जा रहे हैं, आपके हर कदम पे आपको नेकी मिल रही है। अल्लाह के नबी जब घर से मस्जिद के लिए निकलते थे, एक बड़ी जामे दुआ, बड़ी बेहतरीन दुआ अल्लाह के प्यारे नबी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरा व फी समी नूरा व फी बसरी नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व अमामी नूरा व खल्फी नूरा व फौकी नूरं व तहती नूरं व जअल्ली नूरा। हाय अल्लाह, मेरे दिल में तू नूर पैदा फरमा दे, मेरे कानों में तू रोशनी पैदा फरमा दे, मेरी आंखों में तू नूर पैदा फरमा दे, मेरे दाएं मेरे बाएं, मेरे ऊपर मेरे नीचे, मेरे सामने मेरे पीछे, हर तरफ है अल्लाह, हर तरफ हर कदम पर हर मोड़ पर है अल्लाह, तू मुझे अपना नूर अता फरमा, अपनी रोशनी अता फरमा। ये दुआ अल्लाह के नबी मस्जिद में जब जाया करते थे, ये दुआ पढ़ा करते थे रास्ते। और इसीलिए खास तौर से इशा की नमाज में और फजर की नमाज में, चूंकि अंधेरा होता है और अंधेरे में चल करके आदमी मस्जिद को जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बशरिल मशाइना फी ज़ुलमी इलल मसाजिद बिल जन्ना, कि जो लोग मस्जिद में रात के अंधेरों में चल करके जाते हैं, उन्हें बिन नूर ताम में यौमल कयामा, उन्हें कयामत के दिन मुकम्मल रोशनी मिलेगी, कयामत के दिन उनको अंधेरा नहीं मिलेगा। उनको इसकी बशारत सुना दो जो मस्जिद में अंधेरे में निकल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसको अपनी रोशनी अता फरमाएगा, उसको अपनी लाइट अता फरमाएगा। तो मस्जिद को बुलंद किया जाए और मस्जिद में अल्लाह का जिक्र किया जाए। अब आगे की बात पर गौर कीजिए, युसब्बिहु लहु फीहा बिलगुदुवि वल आसाल, और इन मस्जिदों के अंदर सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कौन लोग? रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, जो कारोबार भी करते हैं, जो लेन देन भी करते हैं, जो मार्केट में बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनका लेन देन उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। भाई आप बहुत पैसे वाले हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपके ऊपर नमाज माफ है। अल्लाह कह रहा है मेरे नेक बंदे वो हैं कि उनका कारोबार, उनका बिजनेस उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखो, ये मदीना के बाजार से गुजरे, देखा कि अजान की आवाज आई, दुकानदार ने दुकान बंद कर दी, अपने सामान के ऊपर कपड़ा डाल दिया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे तो वो हैं कि अल्लाह के जिक्र से और नमाज से उनको दुनिया का कारोबार रोक नहीं सकता। आज हमारे नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, उसमें गेम चला था
पता नहीं आजकल मैंने सुना कि बैंड हो गया है, उसका नाम है पबजी गेम। अब वो नौजवान जब उस खेल में मगन हो जाता है तो उसको होश नहीं रहता है कि कितना टाइम लगेगा। ऐसा भी हुआ है रात रात भर लड़के वो रमजान के मुबारक महीने में रात रात भर उस गेम में लगे रहे। मेरे भाई, अल्लाह ने गेम का नाम नहीं लिया है, अल्लाह ने मोबाइल का नाम नहीं लिया है, अल्लाह ने तो कारोबार का नाम लिया। कारोबार तो हमारी जरूरत है, बिजनेस तो हमारी जरूरत है। अल्लाह ने कहा तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा कारोबार भी तुमको नमाज से नहीं रोकेगा। तुमको नमाज से अगर रोक रहा है इसका मतलब कि तुम अल्लाह के नेक बंदों में शामिल नहीं हो। यानी कारोबार और बिजनेस भी हमको इतना मदहोश न कर दे हम नमाज से गाफिल हो जाए। जब बिजनेस और कारोबार के लिए इजाजत नहीं है मेरे भाई, तो मोबाइल और गेम के लिए इजाजत कैसे मिल सकती है? आज इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। इस मोबाइल ने समाज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चों को इस मोबाइल ने, इस इंटरनेट ने, इस सोशल मीडिया ने उनकी उम्र के पहले जवान कर दिया। 13-13 साल की, 12-12 साल की बच्चियां जो अभी मुकम्मल तरीके से बालिग नहीं हुई हैं, जवान नहीं हुई हैं, आज इस मोबाइल ने ये हालात पैदा कर दिए कि उनके लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं, अफेयर हैं, और बड़े फख्र से कहा जाता है फला की फला से दोस्ती है, फला का फला के साथ ताल्लुक। ये हालात है मेरे प्यारे भाई, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, मैं बड़े दर्द के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये मोबाइल बड़ी जरूरी चीज है, बड़ी अहम चीज है, मगर अल्लाह के वास्ते इस मोबाइल को, इस इंटरनेट को, इस सोशल मीडिया को अपनी नेकियों को खत्म करने का जरिया मत बनाओ, अपनी नेकियों का कातिल मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो ये मोबाइल तुम्हारे रोजों को बर्बाद कर दे, ये मोबाइल तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर दे, ये मोबाइल तुम्हारे हज और उम्रे बर्बाद कर दे, ये मोबाइल तुम्हारी नेकियों को खा जाए। इस मोबाइल को इस हद तक इस्तेमाल मत करो कि तुम्हारी नेकियों को खत्म करने का ये मोबाइल जरिया बन जाए। जानते हो ये मोबाइल हमारी नेकियों को कैसे खाता है? आइए मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं। इब्ने माजा की सही रिवायत है, इब्ने माजा की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लयातियन्ना अक़वामुन मिन उम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, यातूना बिहसनातिन, जो नेकियां लेकर के आएंगे, और कितनी नेकियां लेकर के आएंगे, अमसाल जिबाल तिहामत अबीजन, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां, रोजा, नमाज, ज़कात, हज, उम्रा सब लेकर के आएंगे। فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा, उनकी नेकियों को अल्लाह के यहाँ शुमार नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारी नेकियां बर्बाद, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आया था, सारी नेकियां बर्बाद। सहाबा ने कहा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे और उनकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जल्दतिकुम, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे मुसलमान होंगे, युसल्लूना कमा तुसल्लून, जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी पढ़ेंगे, तुम रोजा रखते हो वो भी रोजा रखेंगे, तुम्हारी तरह वो भी रातों में इबादत करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिम इंतहकूहा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, तो वो अल्लाह ताला के हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो नजरों का गलत इस्तेमाल करेंगे, वो तन्हाई में ज़िना करेंगे, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे, बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी, उनकी तो तन्हाई गुनाहों से भरी होगी। आज इस मोबाइल ने हमारी तन्हाइयों को आलूदा कर दिया। भाई लड़के के हाथ में मोबाइल है, लड़की के हाथ में मोबाइल है, बाप बहुत दीनदार है, बाप पांचों टाइम का नमाजी है, मगर 24 घंटे अपने बेटी के मोबाइल पे नजर तो नहीं रख सकता, 24 घंटे आप अपने लड़के के मोबाइल पे नजर तो नहीं रख सकते। मोबाइल पे क्या देखा जा रहा है, किससे मैसेज किया जा रहा है, किससे चैटिंग हो रही है,
आप नहीं दे सकते मेरे भाई। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि आज के दौर में बेहयाई से बचना, आज के दौर में जिना से बचना, आज के दौर में बदकारी से बचना उतना सहाबा के दौर में उतना मुश्किल नहीं था जितना आज के दौर में। मेरा जुमला नोट कर लो, अपने आप को बेहयाई से बचाना, बदकारी से बचाना सहाबा के दौर में उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल आज है। सहाबा के दौर में निकाह आसान थे, बड़ी आसानी से शादियां हो जाती थी, कोई जहेज नहीं था, कोई बारात नहीं थी, कोई लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड का चक्कर नहीं था, कोई बिरादरी का चक्कर नहीं था। दीनदार लड़का है, दीनदार लड़की है, रिश्ता की बात चली, पसंद आ गया, रिश्ता तय हो गया, आसानी से निकाह हो गया। निकाह आसानी से होता था और एक नहीं चार चार निकाह की जो इस्लाम में इजाजत है, चार निकाह का आम तौर से रिवाज। आज तो एक आदमी जिना कर ले समाज उसको उतना बुरा नहीं समझेगा, लेकिन कोई अगर शादी कर ले एक से ज्यादा तो उसके गांव वाले, उसके पड़ोसी, उसके घर वाले उसको इतना बुरा भला कहेंगे बेचारा वो इतना बड़ा उसने गुनाह कर दिया। तो निकाह आसान था और एक से ज्यादा शादियां भी होती थी, और उसके बाद अगर कोई जिना कर ले, अगर कोई बदकारी कर ले तो खुल्लम खुल्ला सजा दी जाती। अगर कुंवारा है 100 कोड़े मारे जाते थे और शहर से निकाल दिया जाता था, और अगर शादीशुदा है तो उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाता था, ये सजा थी। अब आज के दौर में आप देख लो मेरे भाई, निकाह मुश्किल है, जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा, बारातियों का इंतजाम करना पड़ेगा, अपनी ही बिरादरी में शादी करेंगे, अपने हिसाब से शादी करेंगे, दुनिया भर के रस्मों रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे, शादी मुश्किल हो गई, निकाह मुश्किल हो गया और जिना आसान हो गया। आज हमारे भारत का कानून भी अगर दो लोग आपस की सहमति से अगर गलत काम करें, हाँ जबरदस्ती अगर गलत काम किया जाए तो कानून में सजा है, लेकिन आपस की सहमति और रजामंदी से अगर मर्द और औरत कोई काम करते हैं कानून की नजर में वो अपराध नहीं है, कानून की नजर में वो जुर्म है। जिना आम है, जिना की कोई सजा नहीं है। निकाह मुश्किल हो गया, जिना आसान हो गया। अब उसके बाद अगले जुमले पर गौर करो, नबी के जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, सहाबा के दौर में फेसबुक नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था। आज इसने जिना को हमारे घर में प्लेट में जैसे खाने को परोसा जाता है, इसने जिना को परोस के रख दिया है मेरे भाई हमारे घर। आप यकीन करेंगे 3 साल के बच्चे आज मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, देखते नहीं देखते, बोलो भाई मैं गलत बात बोल रहा हूं, मैं इसी दुनिया में रहता हूं। मैं 3 साल के बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया, माँ बेचारी अपने काम में लगी है, बच्चा रो रहा था उसको मोबाइल थमा दिया। अब 3 साल का बच्चा कार्टून देख रहा है, चलो भाई कार्टून देख रहा है, बच्चों के हिसाब से कार्टून आ रहा है, लेकिन उस कार्टून के दौरान ऐसे ऐसे प्रचार आते हैं, ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं जो उस 3 साल के बच्चे के जहन से बहुत आगे की चीज है। गंदे किस्म के एडवर्टीजमेंट उस 3 साल के 4 साल के बच्चों के जहन में मेरे भाइयों इंजेक्शन की तरह उसके जहन में डाला जा रहा है। अब वो 3 साल का लड़का जब कल 20 साल का बनेगा, वो 3 साल की लड़की कल जब 15 साल की 20 साल की जवान बनेगी, तो सोचो कि जो जहन में उसके 3 साल की उम्र से हमने बेहयाई का जो इंजेक्शन उसके जहन में डाला है वो आगे चल करके उसको कहां तक लेके जाएगा। मेरे भाइयों इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है, इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल करो मगर बड़े हिसाब से करो, उसको अपनी नेकियों का कातिल मत बनाओ, उसको अपनी नेकियों को खत्म करने का जरिया मत बनाओ। मेरे नेक बंदे तो वो हैं कि अल्लाह के जिक्र से दुनिया का कोई कारोबार उनको गाफिल नहीं करता, नमाज कायम करने से और जकात देने से उनको दुनिया का कोई कारोबार और लेन देन उनको गाफिल नहीं करता। क्यों नहीं गाफिल करता? यखाफून युमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, इसलिए कि उनके दिलों में अल्लाह ताला का डर है, उन्हें उस दिन का डर है जिस दिन आंखें और कलेजे उलट पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों की आंखें खौफ से पथरा जाएंगी और दिल उछल करके हलक में आ जाएंगे, घबराहट का यह हाल होगा। जब तक ये डर हमारे अंदर पैदा नहीं है
अल्लाह को हिसाब देना है, कयामत के दिन एक एक कदम का हिसाब देना है, जब तक मेरे भाई ये सोच पैदा नहीं होगी, ये चीज नहीं आ सकती कि हम नमाज के टाइम हो गया हम दुकान बंद कर दें, अल्लाह के जिक्र का टाइम हो गया हम कारोबार बंद कर दें। ये चीज तभी पैदा होगी जब हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा। मेरे भाइयों, आज हम और आप तो हमारा और आपका हाल तो ये है, हम नेकियां भी करते हैं तो नुमाइश के लिए करते हैं, हम नेकियां भी करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। नेकी बाद में की जाती है, फोटो पहले खींचा जाता है, नेकी बाद में की जाती है, प्रचार पहले किया जाता है। आज तो नेकी कर दरिया में डाल वाला दौर चला गया, आज नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, आज वो दौर चल रहा है मेरे पास, आज नेकियों का प्रचार हो रहा है। बड़े अदब से कहना चाहूंगा, बड़े एहतराम से कहना चाहूंगा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारी माएं हैं, बहनें हैं, बड़े एहतराम से कहना चाहूंगा, कुछ नेकियां ऐसी भी करके दुनिया से जाओ मेरे भाइयों, कुछ नेकियां ऐसी भी दुनिया से करके जाओ कि वो नेकी या तो आपको पता हो या अल्लाह को पता, वो अल्लाह की और आपके बीच में हो, कोई तीसरा ना जानता हो। किसी गरीब की ऐसी भी मदद करो कि उस गरीब की खुददारी को ठेस ना पहुंचे, किसी अल्लाह की राह में ऐसा भी सबका करो कि बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ से क्या खर्च किया। कुछ ऐसी नेकियां दुनिया से करके जाओ ताकि कल अल्लाह की बारगाह में जब हमारा हिसाब व किताब हो तो अपनी उन चंद नेकियों को हम पेश करके कहें, अय अल्लाह, इस नेकी के पीछे तुझे राजी करना मकसद था। जुमा का दिन आज था, फजर की नमाज आपने मस्जिद में अगर पढ़ी होगी, इमाम साहब ने फजर की नमाज में सुन्नत के मुताबिक दूसरी रकात में सूरह दहर की तिलावत की होगी, तो सूरह दहर में अल्लाह ताला ने एक बात कही, इन्नमा वयुतिमून अत्ताम आला हुब्बिही मिस्कीनं वयतीमं वासीरा, मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, और जब खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खाना खिलाते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, हम तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहते, हम तो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ नेकी करके आपके दिल में यह जज्बा भी पैदा हो जाए कि वो हमारा शुक्रिया अदा करे, तो ये भी मेरे भाई ये सही नहीं है। नेकी करके शुक्रिया की भी आप अपने दिल में गुंजाइश न रखें, नेकी करें और ये सोच कर अल्लाह को राजी करना है, मुझे तेरा शुक्रिया भी नहीं चाहिए, मुझे तेरा बदला भी नहीं चाहिए। एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं। हजरत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है, नबी के नवासे के बेटे हैं, हजरत अली के पोते हैं और हजरत हुसैन के बेटे हैं, क्या नाम है, अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। जब इनका इंतकाल हुआ और इनको नहलाया जाने लगा तो इनकी पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान थे। नहलाने वाले हैरान हो गए कि भाई ये कोई मजदूर आदमी को नहीं थे, कोई ऐसा मेहनत मजदूरी का काम नहीं करते थे, ये इनकी पीठ पर ये मोटे मोटे बोरे के निशान क्यों है। ये खबर धीरे धीरे पूरे मदीना में वायरल हो गई, पूरे मदीना में फैल गई कि हजरत अली बिन हुसैन का जब इंतकाल हुआ है तो उनकी पीठ पर मोटे मोटे निशान पाए गए। जब ये खबर मदीना के कुछ गरीबों को मिली, मदीना के कुछ गरीब परिवारों को मिली, तो उन लोगों ने आकर के कहा कि अल्लाह की कसम हमें पता है कि वो मोटे मोटे बोरे के निशान क्यों है हजरत अली बिन हुसैन के। कहा कि महीने की पहली तारीख को अल्लाह का कोई नेक बंदा हमारे घरों में आकर के अनाज की बोरी रख करके चला जाता था, पूरी जिंदगी गुजर गई, हमें आज तक पता नहीं चला कि वो कौन सा अल्लाह का बंदा था जो हर महीने हमारी कफालत करता था, हमारी मदद करता था, हमारे घरों में अनाज की बोरियां ला करके रख देता था। कहा कि आज अली बिन हुसैन जब दुनिया से चले गए, उनकी पीठ पर वो बोरे के निशान, उन निशानों ने गवाही दे दी
कि मदीना के 100 परिवारों के घरों में अनाज की बोरियां पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, वो नबी के अहले बैत का, नबी के घराने का एक इंसान था, वो अली इब्ने हुसैन थे। वो किसी गुलाम को लेकर के नहीं जाते थे, वो अपनी पीठ पर उन बोरों को उठाते थे और उन गरीबों के घर में पहुंचाते थे। पूरी जिंदगी उनकी ये नेकी छुपी रही। उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद उनकी पीठ के निशानों से पता चला ये नेकी वो करते थे। तो मेरे भाई, ऐसी भी कुछ नेकियां अल्लाह की राह में आप करके जाएं। आखिर में एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। मैं प्रोग्राम के ताल्लुक से आया था, आज रात में हिरनपुर में मेरा प्रोग्राम है। हमारे यहाँ के जिम्मेदारों से, बाबर भाई वगैरह से बात हुई, मैंने कहा ठीक है हम जुमा की नमाज आपके यहाँ पढ़ा देंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी तादाद में हमारे सामने लोग बैठे हैं, आस पास से भी शायद आए होंगे। मैं एक छोटी सी आपके सामने एक अपील कह लीजिए, गुजारिश कह लीजिए मैं रखना चाहता हूँ। बनारस में जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, राजापुरा नाम है उस मोहल्ले का, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1000 स्क्वायर फीट की एक जमीन हम लोगों ने मस्जिद के लिए खरीदने का इरादा किया है। क्योंकि जिस जगह पुरानी मस्जिद है वहां से 300 मीटर की दूरी पर ये नई मस्जिद बनाई जा रही है। और वहां अल्लाह ताला के फजलो करम से 50-60 लड़के सबैले हदीस हुए हैं और काफी दिनों से मस्जिद के लिए कोशिश कर रहे थे। आप ये भी जानते कि शहर में जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा है। 1000 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 80 लाख रुपए, 80 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लॉकडाउन के बाद लोगों के कारोबारी हालात भी बहुत अच्छे हुए। हम लोग बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, 30-35 लाख तक हम लोग अभी पहुंचे हैं, अभी लंबा सफर तय करना है। मैं चूंकि आपके दरमियान आया हूं, एक अपील आपसे कर रहा हूं कि आप, मैं रसीद भी लाया हूं उस मस्जिद की जमीन के लिए। भाई इमारत होती है 100 साल के बाद खत्म हो सकती है, मगर मस्जिद की जमीन में अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, 10 रुपया भी आपने उस मस्जिद की जमीन के लिए दिया है, तो इंशाअल्लाह वो जमीन कयामत तक रहेगी और कयामत तक वो आपके लिए सबके जारिया रहेगा। और आज मैंने जो तकरीर भी की है मस्जिद के आदाब के ताल्लुक से की है, तो मेरे भाई मस्जिद की तामीर में और मस्जिद को बनाने में हिस्सा वही लोग लेते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो मेरी आपसे अपील है कि आप उसमें जो भी अपनी तरफ से ताउन कर सकते हो करें। मैं इंशाअल्लाह तमाम लोगों के नाम से एक रसीद काट दूंगा, या अगर पर्सनली इंडिविजुअल भी कोई अगर अपने नाम से रसीद कटवाना चाहता है, रसीद बुक मैं लेकर के आया हूँ, आप अगर उसको कुछ ताउन करना चाहें बेशक कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन, आज इस जगह हम इकट्ठा हुए, अल्लाह के घर में हम इकट्ठा हुए हैं और अल्लाह की बातें, कुरान सुन्नत की बातों को सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजी अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, कारोबार से परेशान है, अल्लाह उनकी रोजी रोटी में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने नबी के तरीके पर चलने वाला बना दे, तौहीद व सुन्नत पर चलने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से अल्लाह हमें बचाए। हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं मेरे भाई, फिरका परस्तों की हिम्मतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हमारी जान व माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे सब धीरे धीरे खतरे में लाए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने फजल व करम से जालिमों की चाल को उल्टा कर दे। अल्लाह हमारी मस्जिदों की, हमारी इबादत गाहों की, हमारे दीनी इदारों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जान व माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपनी जमाने की हिफाजत करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी माओ बहनों को शर्म हया का पैकर बना दे, इस्लामी पर्दे का पाबंद बना दे। अल्लाह हमें अपने मुआशरे की इसलाह करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।